बच्चों, हमारे सामने उदाहरण तीन है। इस उदाहरण में हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब उदाहरण दो याद करिए। उदाहरण दो में हमें ये बताया गया था, पूछा गया था कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के लंब विकर्ण एक दूसरे पर लंब है तो वो सम चतुर्भुज होता है। आप देख रहे हैं दोनों उदाहरण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ हमें एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है जो समानांतर चतुर्भुज का एक विशेष रूप है। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है और यदि यह सम चतुर्भुज है यानी इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये चारों भुजाएं बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि यह जो विकर्ण ए सी और बी डी है वो दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो हमने यहाँ पर एक विकर्ण भी खींच रखा है, दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं वहां हम नाम देते हैं बिंदु O है। अब आप देखिए यदि इसको हम एक दूसरे पर लंब सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें किसी भी एक जोड़े त्रिभुज को लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप इन दोनों को ले रहे हैं, आप चाहें तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले सकते हैं, तो कोई भी एक जोड़ा जो एक दूसरे से लगा हुआ है उसको हम साथ में लें और ये कोशिश करें कि ये दोनों कोण समकोण हो जाए। यदि हम इन कोणों के एक जोड़े को समकोण सिद्ध कर दें तो ये प्रमाणित हो जाता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर लंब भी है। तो ऐसा करने के लिए हमें उन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा और सर्वांगसम त्रिभुजों की जो शर्तें हैं वो आपको मालूम है, तो चलिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने इन दोनों त्रिभुजों का चयन किया, इन दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, तो हम लिखें त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओबी और त्रिभुज इसको ले लें हम, इसको हम कह दें सीओबी, सीओबी में देखिए ये दिया हुआ है चूंकि सम चतुर्भुज है ये, इसलिए इसके चारों भुजाएं बराबर है, तो एक बात तो आपको मिल गई कि भुजा ए बी और भुजा बी सी आपस में बराबर है। ये आप लिख लें ए बी बराबर बी सी। अब इस त्रिभुज की एक भुजा आप देख रहे हैं ओ बी, वो इस त्रिभुज का भी हिस्सा है, यानी ओ बी एक ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ बी, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए आपस में बराबर है। यहां पर भी आप लिख सकते थे सम चतुर्भुज की भुजाएं हैं, सम चतुर्भुज की भुजाएं हैं इसलिए बराबर है। ठीक, अब तीसरी भुजा के बारे में सोचिए। इस विकर्ण ए सी को देखिए, विकर्ण ए सी को विकर्ण डी बी ओ पर काटता है और हम पहले पढ़ चुके हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ओ ए सी का मध्य बिंदु है। इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ए ओ बराबर सी ओ, तो इसे भी लिख लें ए ओ बराबर सी ओ, क्योंकि ओ विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु है, ओ ए सी का मध्य बिंदु है। आप देख रहे हैं कि आपने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर सिद्ध कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ बी के, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो अब इसके जो शेष अंग है वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है ये।
इसलिए आपस में बराबर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों कोण है एओबी और सीओबी, विकर्ण एओसी पर बन रहा है, एक जो कि सरल रेखा है, यानी पूरा का पूरा कोण जो होगा वह 180 अंश का होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एओबी धन बीओसी या सीओबी बराबर 180 अंश। यह हम आगे लिखें, चूंकि एओबी धन कोण सीओबी बराबर 180 अंश है और एओबी सीओबी आपस में बराबर है, तो यदि एक किसी भी को आप दूसरे से रिप्लेस कर दें, दूसरे से बदल दें, तो आपको मिलेगा कोण एओबी धन कोण एओबी, आपने सीओबी की जगह एओबी लिखा, बराबर 180 अंश। तो इससे आपको मिलता है कि दो गुणित कोण एओबी बराबर 180 अंश। इसे आप इधर लिख लें, अगर दो गुणित कोण एओबी बराबर 180 अंश, इससे आपको एक परिणाम मिलेगा कि कोण एओबी बराबर 180 का आधा यानी 90 अंश। तो ये आपको परिणाम मिला कि कोण एओबी 90 अंश का है, एओबी 90 अंश का है, और चूंकि एओबी सीओबी के बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि कोण एओबी बराबर कोण सीओबी बराबर 90 अंश। इस परिणाम के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यानी दोनों सम कोण पे हैं, यानी ये जो भुजा BD है वो AC पर लंबवत है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि AC लंबवत है BD पर या BD लंबवत है AC पर, और यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत है। तो ये प्रमेय भी आपका सिद्ध हुआ, यह सवाल जो आपका था उदाहरण, ये भी हल हुआ।